रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कुंते की बहन उमा ने कुंते के दोनों ही बेटों की शादी एक ही घर में करवाई थी, लेकिन सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि कुंते के बेटे तो थे ही हमशक्ल, लेकिन अब उनकी बहू भी हमशक्ल ही आ गई थी, जिसे पहचान पाना तो कुंते के बेटों और बहुओं के लिए भी अब मुश्किल की बात बनता जा रहा था। एक रोज सरिता किचन में काम कर रही थी, तभी सरिता का देवर किचन में आकर सरिता को पीछे से पकड़ते हुए सरिता से कहता है, यार कब से ढूंढ रहा था तुम्हें, अब जाकर पकड़ में आई हो। वैसे मेरा मूड आज बहुत अच्छा है। क्या कर रहे हो, कोई देख लेगा, जाओ भी मुझे काम करने दो। यार कोमल, हर समय काम काम काम, कभी मुझे भी समय दे दिया करो यार। देवर जी, आपकी कोमल रूम में है, अगली बार से नाम लेकर ही आया कीजिए देवर जी। सॉरी सॉरी, मुझे लगा कोमल है, तो मुझे माफ करना भाभी। ना जाने मैं अपने पति को कब पहचान पाऊंगी, और मेरा पति मुझे। कभी तो मेरा खुद का पति भी मेरे पास आता है तो ऐसा लगता है कि ये दूसरा वाला तो नहीं आ गया। अब रोहित अपने कमरे में जाता है, जहां वो जाते ही अपनी पत्नी से कहता है, कोमल क्या कर रही हो तुम यहां? मुझे लगा तुम किचन में हो। नहीं, मैं किचन में गई ही नहीं थी, कहीं तुमने मुझे समझ कर दीदी को झप्पी पप्पी तो नहीं दे दी ना? यार तुम ये कैसी बात कर रही हो, वैसे अभी तो शादी का दूसरा ही दिन हुआ है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कौन मेरी बीवी है और कौन मेरी भाभी। शादी के दूसरे ही दिन दोनों हमशक्ल बहनें अपनी दोनों हमशक्ल पतियों को पहचान नहीं पा रही थी। अब सरिता अपने पति को पहचानने के लिए एक तरकीब निकालती है, जिसमे वो अपने पति के गले में काला धागा डाल देती है। वहीं दूसरी तरफ ये कोमल अपने पति से कहती है, सुनिए आपको तो पता है हम बहनों के हमशक्ल होने से आपको, मुझे, दीदी, जीजू सबको कितनी दिक्कत हो रही है। मुझे तुम्हें और भाभी का तो पता है, लेकिन भैया ने तुम्हारे साथ क्या किया है? वो कल उन्होंने टॉवल मांगा था तो मुझे लगा आप ही हो, लेकिन जैसे ही मैं देने गई वैसे ही उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया, लेकिन तभी माँ जी ने आपको आवाज लगाई और आपने अपने रूम से माँ जी को आवाज लगा दी, तभी मैं अपना हाथ छुड़ाकर भागी हूँ। हे भगवान, मैं क्या करूँ मासी का, अरे मैंने मना किया था लेकिन नहीं, उन्हें तो हम चारों की कुंडली मिलाकर हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। अरे अब भुक तो बैठ कर। ये लो गले में ये काला धागा बांध लो, जिससे मुझे पता चल सके कि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे ही हो। अब थोड़ी देर बाद ही कोमल अपनी बहन सरिता के पास आती है और अपनी बहन को कहती है, दीदी वो उन्होंने आपको गलती से मुझे समझ कर पकड़ लिया था, वो मैं कहने आई थी कि अब से ऐसा नहीं होगा, मैंने उन्हें काला धागा पहना दिया है। क्या काला धागा पहना दिया है तूने रोहित को? लेकिन मैंने भी तो तेरे जीजू के गले में काला धागा पहनाया है। अब इतना सुनने के बाद ही कोमल अपने पति को फोन करके वो काला धागा हटवा देती है और अपने पति रोहित से कहती है, सुनो वो मैंने ये काला धागा इसलिए हटवाया क्योंकि दीदी ने भी जीजू के गले में ये बांध दिया है। अब हम बहने हमशक्ल तो है ही, लेकिन हमारे विचार भी तो अब मिल रहे हैं ना। यार अब क्या करूं? तुम टेंशन मत लो, मैं कुछ करता हूँ। अब देर शाम जब रोहित घर आता है तो सरिता रोहित से कहती है, चलो अब चलकर नहा लो, जब तक तुम्हारे बाल ठीक से ना आ जाएं तब तक तो मैं तुम्हें पहचान ही सकती हूँ। हाँ ये तो है, लेकिन एक मिनट, तुम्हें कैसे पता मैंने बाल कटवाए हैं? क्योंकि मैंने तुम्हें बोला था, तो मेरे कहने के लिए इतना भी नहीं कर सकते थे क्या आप? कोमल ही हो ना, कहीं फिर से भाभी तो नहीं आप? देवर जी, लेकिन मैंने तो तुम्हारे भैया को कहा था कि वो अपने बाल कटवा कर आए। फिर भैया भी गंजे होकर आ ही रहे होंगे और अब मैं भी गंजा हो चुका हूँ, क्या करूँ? अब आप ही कुछ बता दो भाभी, ये हमशक्ल होने की वजह से मैं इतना परेशान हो चुका हूँ कि अपनी बीवी के पास जाने से भी डर लगने लगा है मुझे। अब थोड़े समय बाद ही अमन भी गंजा होकर घर आता है और अपनी पत्नी से कहता है, लो मैं आ गया, अब तुम्हें ना मेरे पास आने से डर नहीं लगेगा। जाओ हॉल में बैठो, अपने भाई को देख कर आओ, फिर मेरे करीब आना। क्या मतलब, वो भी मेरी तरह गंजा हो क्या है? सत्यानाश हो। हमशक्ल होना इधर दोनों बहनों के लिए अब मुसीबत बन चुका था, वहीं दूसरी तरफ दोनों भाइयों के लिए भी। लेकिन अब कुछ समय बाद ही कुंती अपनी बहू सरिता को एक सोने की अंगूठी देते हुए कहती है, बहू तो सरिता ही है ना, एक तो मैं अब तुम दोनों को पहचान नहीं पा रही हूँ, ये ले अंगूठी सोने की, तेरी शादी में कुछ दे नहीं पाई थी तो अब दे रही हूँ। जी माँ जी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है बहू, अब तो कोमल को भेज दे, उसे दे दूं मैं, मेरी जान छूटे ये सब लेने देने के झंझट से। अब सरिता अपनी छोटी बहन कोमल को अपनी सास के पास भेजती है और कोमल जाती भी है, लेकिन कोमल को देखकर कुंती कहती है, बहू मुझे पता है मेरे बेटे की नई बहुएं भी हमशक्ल है, लेकिन अब तू तो हमशक्ल होने का फायदा उठा रही है। नहीं माँ जी, मैं ही कोमल हूँ, दीदी ने मुझे यहाँ भेजा है। ये तो भगवान ने तुम दोनों को हमशक्ल बनाकर भेज दिया,
कभी कभी तो मुझे लगता है कि भगवान के घर में लोगों के रंग रूप देने की दिक्कत चल रही है, तभी तो वो एक पीस को कॉपी करके भेज रहा है। अब ये सब चल ही रहा था कि तभी कुंती की पड़ोसन विमला का आना होता है, और अब उसके आते ही कुंती अपने कमरे में ये कहकर जाती है, आ विमला बैठ, अभी आती हूँ, बड़े ही दिनों बाद दिखाई दी है। बहू तुझे एक बात कहूँ, तेरी जो छोटी बहन है ना, एक नंबर की कामचोर है, उससे दूर ही रही हो। भले ही वो तेरी बहन है, लेकिन आजकल कोई किसी का नहीं होता है, कितने दिन साथ रहोगी, आज ना कल अलग होना ही है। विमला आंटी, आपकी ये चुगली करने की आदत जाएगी नहीं ना। बड़ी बहू, मैं तो ये सब तेरे भले के लिए बता रही हूँ, इसमें मैंने कौन सी गलत बात बोल दिया? आपने गलत तो कुछ नहीं कहा, लेकिन गलत आदमी को जरूर बोल दिया। मतलब तू छोटी बहू है? अरे मैं तो मजाक कर रही थी, अब मैं मजाक भी नहीं कर सकती। क्या मजाक कर रही थी विमला, मैं भी तो सुनूं। अरे कुछ नहीं, ये हमशक्ल भी दूसरों के लिए मुसीबत बन जाता है ना कुंती। मुसीबत ही नहीं, आफत बना हुआ है। पहले मैं अपने दोनों बेटे को सही से पहचान नहीं पाती थी, लेकिन अब तो बेटों के साथ साथ अपनी बहुओं को भी नहीं पहचान पा रही हूँ। अब कुछ ही समय बाद रोहित और अमन बाहर से आते हैं और अपनी पत्नियों को आवाज लगा कर बुलाते हैं और कहते हैं, अब मैंने हमशक्ल पतियों को पहचानने का हल ढूंढ लिया है। क्या है वो बताइए ना। भाभी आपके वाले वो हैं, मैं नहीं हूँ। पहले सरप्राइज तो सुन लो, फिर ये जी ओजी ओजी बाद में कर लेना यार तुम दोनों। और वो सरप्राइज ये है कि मैंने और रोहित ने अपने अपने हाथों पे तुम्हारा नाम लिखवाया है। हाँ हाँ भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं, अब से भाभी आप और कोमल तुम मुझे नाम से पहचान सकोगी। अब देर रात जब किचन में काम कर रही कोमल को उसके पीछे से आकर रोहित पकड़ता है, तो कोमल रोहित को दूर करते हुए कहती है, पहले नाम दिखाओ फिर करीब आने की कोशिश करना। ये लो कोमल लिखा है, अब तो करीब आने दो, या अब भी मुझ पर शक है तुम्हें? जी नहीं, मुझे पूछना तो पड़ेगा ही ना, कहीं फिर से मेरे साथ धोखा हो जाए। अब रोहित और अमन दोनों ही अपने हाथों पर अपनी हमशक्ल बीवियों के लिए उनका ही नाम लिखवा कर आते हैं, पर अभी भी दिक्कत ये थी कि पहले पहचान बताओ, तभी वो अपने पतियों को अपने कमरे में आने देती, उन्हें अपने पास आने देती। अब भी परेशानी का हल नहीं निकलता। अब अमन अपनी इस बात का तोड़ निकालने के लिए अपनी ड्रेसिंग सेंस को चेंज कर लेता है। देखो मैं कैसा लग रहा हूँ, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना। जी पहले नाम तो दिखाइए, तभी तो मैं आपके सवालों का जवाब दूंगी। ये देखो मेरी जान, मैंने अपने हाथों पे तुम्हारा नाम लिखवाया है, सरिता। अरे जेठ जी, मैं आपके वाली नहीं हूँ, मैं कोमल हूँ। हे भगवान, ये क्या आना थोड़ा था मुझसे, अब माफ करना, मुझे लगा सरिता होगी। इतना कुछ हो जाने के बाद भी कोई फायदा नहीं होता, जिस वजह से कुंती अपने दोनों बेटों को अलग अलग घर में जाने की सलाह देती है, क्योंकि एक बेस्ट ऑप्शन चारों के लिए यही था, और वो लोग करते भी क्या। गर्मियों के समय हर कोई अपने घर में कूलर और एसी चलाता है, लेकिन एसी और कूलर के चलते झगड़ते हुए बस भाई बहन को ही देखा होगा। लेकिन कावेरी देवी की चार बहुएं, जिनमें दो एसी वाली थी और दो कूलर वाली, आए दिन कूलर और एसी को लेकर लड़ती मरती रहती थी। ऐसे ही एक सुबह चाय के इंतजार में बैठी कावेरी अपनी बड़ी बहू निशा को आवाज लगा कर कहती है, अरे निशा बहू कहाँ रह गई? चाय देगी आज या नहीं? कावेरी की आवाज़ सुनकर उसके दूसरे नंबर की बहू आशा चाय का कप लिए आती है और उसे देकर कहती है, लो माजी आपकी चाय, और आप जिन्हें आवाज़ लगा रही हैं, वो मस्त अपने कमरे में एसी चलाकर सो रही हैं। ये बड़ी बहू और छोटी बहू ने जब से कमरे में एसी क्या लगवा लिया, बस सोने के सिवा इन दोनों को कोई काम नहीं है। बिल तो मेरे बेटे भरते हैं ना इनके एसी का, जो हवा खाते भी नहीं है। आने दो बताती हूँ इनको। इतने में कावेरी की सबसे छोटी बहू निधि अपने कमरे से अंगड़ाई लेते हुए बाहर आती है और कहती है, अरे माजी क्यों सुबह सुबह खोलते हुए ज्वालामुखी की तरह उबल रही हो? अब एसी है तो नींद अच्छी आएगी, और नींद अच्छी आएगी तो जल्दी आँख कहाँ खुलेगी। अब कूलर तो है नहीं कि बटन बंद करते ही तुरंत कमरा गर्म हो जाएगा, और एसी तो बंद होने के बाद भी एक दो घंटे कमरा ठंडा रहता है। ये कूलर का ताना किसको मार रही हो देवरानी जी? माना मेरे और नेहा के पास कूलर है, लेकिन हम उसी में खुश हैं, हमें एसी की चाह नहीं है। जो ले नहीं पाता वो ऐसे ही बोलता है। जीजी बस करो दोनों, सुबह सुबह घर को जंग का मैदान बना देती हो। जाओ अपने अपने काम करो, और निधि बहू अपने एसी में नींद पूरी कर ली हो तो जल्दी से नहा के नाश्ता बनाएगी तू आज। माँ जी मुझे कुछ नहीं सुनना, जल्दी जाओ और उन दोनों को भी होश में लाओ। कावेरी देवी के घर आए दिन दो कूलर वाली बहुएं
और दो एसी वाली बहुओं में घमासान तानाबाजी होती रहती थी। ऐसे ही एक दिन कावेरी की तीसरी बहू नेहा टीवी देख रही थी, तभी उसका पति कुणाल घर आता है और पसीने से लथपथ हुआ होता है। ये देखकर नेहा बोलती है, अरे आप आ गए, बाप रे इतना पसीना, बहुत गर्मी है ना बाहर। सच में आपको इतनी गर्मी में पसीना पसीना देखकर मुझे गर्मी लगने लगी। एक काम करिए, जाकर नहा लीजिए। अरे अगर आते ही नहाऊंगा तो सर्द गर्म हो जाएगी, ऐसा करता हूँ जाकर कूलर के आगे बैठ जाता हूँ, पसीना सुखा कर ही नहाऊंगा। इतने में ही हॉल में नेहा की बड़ी जेठानी निशा आती है, जो अपने देवर से कहती है, अरे देवर जी इतनी गर्मी में आए हैं बाहर से, आपको कूलर की हवा ठंडक नहीं दे पाएगी, जाइए मेरे कमरे में आराम कर लीजिए कुछ देर, एसी चला हुआ है। अच्छा ठीक है भाभी, ये सही है, थोड़ा आराम मिलेगा। नेहा मैं आता हूँ, तुम जब तक मेरा नहाने का पानी तैयार कर देना और जरा पानी की बाल्टी में एक आधी बर्फ डाल देना, ठंडा हो जाएगा पानी। इतना बोलकर कुणाल वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही निशा नेहा से कहती है, देखा एसी ही आखिरकार इस सड़ी गर्मी में ठंडक देता है, ना कि कूलर। खैर तुम्हें भी कभी एसी की ठंडक में आराम करने का मन हो तो मेरे कमरे में बेझिझक आ जाना। नहीं जेठानी जी, मुझे जरूरत नहीं है आपके एसी के ठंडक की, मैं कूलर की हवा में बहुत खुश हूँ। इतना बोलकर नेहा अपने कमरे में कुणाल के नहाने का पानी ठंडा करने चली जाती है। दिन ऐसे ही गुजरते हैं। एक शाम जब सभी खाना खाकर सोने जाते हैं तो आशा फ्रिज से बर्फ के बाउल निकाल रही होती है। ये देखकर कावेरी बोलती है, अरे आशा बहू ये क्या कर रही है, फ्रिज की सारी बर्फ कहाँ ले जा रही है? माँ जी इसको मैं अपने कमरे के कूलर में डालूंगी, ठंडा ठंडा पानी डालने से ठंडी हवा आती है और बहुत सुकून की नींद आती है। हे भगवान, तुम तो कूलर को भी एसी बना लो, अरे इतनी ठंडक तो देता है। इतने में वहाँ निधि आती है जो आशा को ताना देती हुई कहती है, अरे माँ जी कूलर में बर्फ डालने से वो एसी नहीं बनेगा, और वैसे भी 6-7 हजार में एसी जैसे कूलर आने लगे तो 30-40 हजार के एसी कौन खरीदेगा? क्यों आशा जी? मेरे लिए कूलर ही बेस्ट है, मैं इतने बड़े ख्वाब नहीं देखती, अपने पति के जेब के हिसाब से चलती हूँ। इतना बोलकर आशा बर्फ के बाउल लेकर वहाँ से चली जाती है और अपनी बहुओं को हमेशा कूलर एसी के चलते एक दूसरे को नीचा दिखाते देखकर कावेरी मन ही मन कहती है, हे भगवान ये हमेशा ही एसी कूलर के लिए लड़ती रहती हैं, ना जाने कब इनको अकल आएगी कि निर्जीव चीजों से कीमती रिश्ते होते हैं। कावेरी भी अपने कमरे में आराम करने चली जाती है। दिन गुजरते जाते हैं और गुजरते दिनों के साथ गर्मियां भी बढ़ती जाती है। एक दोपहर खाना लेकर कावेरी अपनी बहू निशा के कमरे में बैठी थी, वहाँ निशा के अलावा निधि भी थी। तभी पूरे घर में अपनी सास को ना देखकर आशा और नेहा एक दूसरे से कहती हैं, ये माँ जी कहाँ गई, अपने कमरे में भी नहीं है, हॉल में भी नहीं है। तभी उनको निशा के कमरे की तरफ से हंसने की आवाज आती है। दोनों निशा के कमरे में जाकर देखती है तो कावेरी आराम से वहाँ खाना खाते हुए दोनों एसी वाली बहुओं के साथ एसी की ठंडक में बैठी थी, और कावेरी अपनी दोनों बहुओं को वहाँ देख कर कहती है, अरे आशा और नेहा बहू आ जाओ यहीं बैठ जाओ, देखो बहुत अच्छी मूवी लगाई हुई है बड़ी बहू ने, बाहर बड़ी गर्मी थी इसलिए मैं भी यहीं आकर बैठ गई। माँ जी अगर आपको गर्मी लग रही थी तो आप हमारे कमरे में आ जाती, हम आपके लिए कूलर चला देते। अब एसी जैसी ठंडक कूलर तो देगा नहीं ना आशा, और वैसे भी जितनी गर्मी बाहर पड़ रही है ना उसको देखकर लगता है कि तुम्हारा कूलर भी गर्म हवा फेंक रहा होगा, इसलिए मैं तो कहती हूँ तुम दोनों भी यहीं बैठ जाओ। नहीं बड़ी जेठानी जी कोई जरूरत नहीं है, गर्मी में मरना मंजूर है लेकिन यहाँ बैठना नहीं, कल को आप फिर से ताने मारोगी। चलो आशा दीदी। अपनी बहुओं को घर में दो गुटों में बढ़ते देखकर कावेरी को बुरा लगता है, साथ ही आशा और नेहा आशा के ही कमरे में कूलर चलाकर सोने की कोशिश करती है, लेकिन गर्मी ज्यादा होने की वजह से उनका कूलर भी उनको ठंडक नहीं दे पाता। लेकिन बावजूद इसके वो उसी गर्मी में रहती हैं और अपनी जेठानी के कमरे में नहीं जाती। दरवाजे पर खड़ी कावेरी अपनी दोनों कूलर वाली बहुओं को सड़ी गर्मी में ऐसे सोता देखकर खुद से कहती है, आखिर कब तक ये मेरी बहुएं एक दूसरे से एसी कूलर पर लड़ेंगी, मुझे तो समझ ही नहीं आता कि क्या करूं। कावेरी भी अपनी बहुओं के बीच आई इस दूरी के लिए परेशान थी। उसी रात
जब सब खाना खाकर सोने जाते हैं तो कुछ देर बाद ही लाइट चली जाती है और गर्मी के कारण सभी बहुएं हॉल में आकर कावेरी से कहती है, माँ जी बहुत गर्मी हो रही है, इस गर्मी में तो छत पर भी नहीं सो सकते, फर्श इतना गर्म होगा कि सुबह तक आमलेट बन जाएगा। अब बहू क्या कर सकते हैं, जनरेटर भी सिर्फ एक ही चीज चला सकता है, जैसे कूलर या पंखा। अच्छा माँ जी, जनरेटर से कूलर चल जाएगा? हाँ बहू, लेकिन क्या फायदा, एक ही चलेगा, उसमें भी सबको आराम कहाँ मिलेगा। मिलेगा माँ जी, सबको आराम मिलेगा, आशा दीदी चलो। टॉर्च की लाइट के सहारे आशा और नेहा हॉल में कुछ बिस्तर बिछा देती है और एक कूलर चला देती है, जिसके बाद आशा बोलती है, माँ जी हम सब यहीं सो जाएंगी, क्यों निशा भाभी, गर्मी में सोने से अच्छा है कि हम कूलर की हवा में सो जाएं। मुझे नहीं सोना यहाँ, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, इससे ज्यादा ठंडक तो वहीं है। मैं भी। देख लो बहू, लाइट का कोई भरोसा नहीं है कि कब आए, और मेरे बेटे भी नहीं है घर पर, काम के सिलसिले में वो चारों शहर से बाहर है, तो हम पांच तो यहाँ आराम से सो ही जाएंगी, बाकी तुम्हारी मर्जी। कावेरी की बात को नजरअंदाज करके निशा और निधि अपने कमरे में चली जाती हैं और बाकी के तीनों सदस्य बाहर हॉल में कूलर की हवा में सो जाते हैं। लेकिन काफी देर तक के इंतजार के बाद जब लाइट नहीं आती तो निशा और निधि अपने आप बाहर आकर सो जाती हैं। अगली सुबह अपनी दोनों एसी वाली बहुओं को भी कूलर की हवा में सोती देखकर कावेरी उठकर कहती है, उठ जाओ बहुओं, सुबह हो गई है और लाइट भी आ चुकी है। चारों बहुएं उठ जाती है तो निशा अंगड़ाई लेती हुई कहती है, माँ जी लाइट रात को ही आ गई थी, मुझे पता चल गया था, लेकिन कूलर की हवा में इतना सुकून मिल रहा था सोकर, इसलिए मैं और निधि उठकर नहीं गए। हाँ, इसलिए आशा और नेहा दीदी हमें माफ कर दो, क्यों ना हम आपस की ये एसी कूलर की लड़ाई बंद करके ऐसा करें कि रात को हम सब कूलर लगा के सोए और दिन में आप दोनों हमारे साथ एसी की ठंडक में हमारे कमरे में, क्योंकि दिन में गर्मी ज्यादा होती है, कूलर ठंडक नहीं दे पाता। हाँ भाभी ठीक है, हमें भी अपने घर को यूँ जंग का मैदान बनाना अच्छा नहीं लगता, इससे अच्छा तो है कि हम आपस में प्यार से रहें और एसी और कूलर दोनों के मजे लें। वाह, मुझे तो कुछ करना ही नहीं पड़ा, समय के साथ इन चारों को अपने आप अकला गई। सही है, कुछ बातों को समय पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि कभी कभी वक्त ही इंसान को सब कुछ समझा सकता है। वक्त ने ही इन चारों को एसी कूलर की लड़ाई को छोड़कर प्यार से रहना सिखा दिया। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।